गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ दिनों से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर कनेक्शन में आते हैं हम लोग। चलिए, हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देखा था 8086 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या था, 8086, वो सारा चीज देख लिए थे हम लोग। साथ में हम लोग आपको एड्रेसिंग मोड बताए थे पिछले क्लासेज में। तो अभी हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या कहता है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल होता क्या। तो सीपीयू में, सीपीयू का मेन काम क्या है, सीपीयू का मेन फंक्शन है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। सीपीयू का मेन फंक्शन क्या है हमारा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो इंस्ट्रक्शन को सीपीयू किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, वही चीज क्या कहलाता है हमारा, इंस्ट्रक्शन साइकिल। हमारा क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या कहा जाता है, द मेन फंक्शन ऑफ ए सीपीयू। सीपीयू का मेन काम क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ ए सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। ये क्या करता है, स्पेशली इसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम क्या है, द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। किसी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना ताकि वो किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना जो कि पार्टिकुलर काम के लिए दिया हुआ रहता है, यही हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम को रन करने का काम किसका है, हमारा सीपीयू का। अब वो सीपीयू किस तरीके से इस प्रोग्राम को हैंडल करता है, किस प्रोग्राम को रन करता है, वही चीज बताया गया आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल में। कहता है प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो भी प्रोग्राम हमारा होता है वो स्टोर कहाँ होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। तो प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड इन ए वॉन्ड ह्यूमन टाइप प्रोसेसर। जैसे हम आपको शुरू में ही बताए थे फंडामेंटल में कि जो भी हमारा आर्किटेक्चर है वो वॉन्ड ह्यूमन आर्किटेक्चर के, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो वॉन्ड ह्यूमन साहब ने ही दिया है। द सीपीयू फेचेस द इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट। जो भी प्रोग्राम हमारा पड़ा हुआ है वो प्रोग्राम कहाँ पड़ा हुआ है, मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो सीपीयू क्या करेगा, उस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा और फेच करने के बाद तब उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो पूरा का पूरा जो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इस इंस्ट्रक्शन साइकिल को दो पार्ट में बांटा गया है। कहता द इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, वन इज द फेच साइकिल और अनदर इज द एग्जीक्यूट साइकिल। यहां पर दो है, पहला फेच साइकिल और दूसरा एग्जीक्यूट साइकिल। यह पूरा का पूरा जो है यह दो साइकिल में बटा हुआ है। यह हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है, पहला फेच साइकिल और दूसरा एग्जीक्यूट साइकिल। फेच साइकिल क्या कहलाता है, इन द फेच साइकिल डेटा इज फेच फ्रॉम द मेमोरी। जिस प्रोग्राम को रन कराना है वह प्रोग्राम हमारा कहां स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है। तो मेमोरी से उस डेटा को फेच करना, उस डेटा को निकालना, वही किसका काम है, फेच साइकिल का। और एग्जीक्यूट साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल का क्या काम है, तो अब वो जो डाटा निकल गया उस डेटा को रन कराना, उस डेटा को, वो डाटा आ गया किसमें, सीपीयू में आ गया। तो सीपीयू में आने के बाद उस डेटा को रन कराना, ये काम किसका है, एग्जीक्यूट साइकिल का। ये दो साइकिल में टोटली का टोटली बटा हुआ है हमारा, ये नोट करिए इसको। क्लियर है, तो देखिए अब हम इसको आपको दिखाते हैं क्या है, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे स्टडी मटेरियल, उसमें क्या दिया हुआ है। कहता है द मेन फंक्शंस ऑफ ए सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ए प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या है, बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बटा हुआ है। टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क, प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। प्रोग्राम्स कहां स्टोर रहता है, हमारा मेमोरी में स्टोर रहता है।
इन ए वन ह्यूमन टाइप प्रोसेसर, मतलब जो भी प्रोसेसर हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हो, कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर जो है हमारा, वह माइक्रो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वह वॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर पर ही आधारित है। तो यहाँ पे कहते हैं सच एज इंटेल 808, 5808, 6, ये सब जो आपका जो आजकल का जो भी प्रोसेसर यूज हो रहा है वह सारा का सारा सीपीयू फेचेज वन इंस्ट्रक्शन। सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है कहां से, फ्रॉम मेमोरी, एंड देन एग्जीक्यूट इट। उसके बाद वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है, रन कराने का काम करता है। फिर इसीलिए ये जो पूरा का पूरा हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल दो पार्ट में बटा हुआ है, वन इज द फेच साइकिल एंड अनदर इज द एग्जीक्यूट साइकिल। क्लियर? क्या कहता है कि द नेसेसरी स्टेप्स दैट द प्रोसेसर हैज टू कैरी आउट फॉर फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से फेच करेगा, एंड एग्जीक्यूटिंग इट कंस्टिट्यूट एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये पूरे के पूरे वर्क को क्या कहा गया, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा गया। क्लियर है? एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। जो भी इंस्ट्रक्शन साइकिल है हमारा वो दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला ए फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल। पहला क्या कहता है, फेच साइकिल, जिसके मार्फत वो फेचिंग का काम करेगा, डेटा को निकालने का काम करेगा, और दूसरा कहता है एग्जीक्यूट साइकिल, जिसके मार्फत उस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो ये दो तरीके में बटा हुआ होता है। अब क्या कहता है, इन फेच साइकिल, फेच साइकिल में क्या हो रहा है, इन फेच साइकिल द सीपीयू फेचेज द मशीन कोड एंड ऑपकोड फ्रॉम द मेमोरी। जो भी मशीन कोड या ऑपकोड है फेच साइकिल में, वो मेमोरी से क्या करेगा, निकाल के लाएगा सीपीयू के पास, कंस्टिट्यूट ए फेच साइकिल। इन एग्जीक्यूट साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जबकि एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है वो टोटली का टोटली इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा टोटली अच्छी तरीके से। द नेसेसरी स्टेप्स व्हिच कैरी टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन कंस्टिट्यूटेड एग्जीक्यूट साइकिल, मतलब एग्जीक्यूशन में जो जो नेसेसरी स्टेप हैंडल होता है वो हमारा एग्जीक्यूट साइकिल कहलाया, और मेमोरी से डेटा निकालने में फेचिंग में जो जो नेसेसरी स्टेप्स हैंडल हुआ वो हमारा फेच साइकिल कहलाया। क्लियर है? तो इसको दो ग्रुप में बांटा गया, एक कहलाया गया फेच ऑपरेशन और दूसरा कहलाया एग्जीक्यूट ऑपरेशन। तो दोनों को हम जरा समझाते हैं क्या कहता है। कहता है टू फेच एन ऑपकोड, किसी भी ऑपरेशन कोड को जो फेच करते हैं फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन, द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, मतलब तीन स्टेप आपको दिया हुआ है उसके में काम आता है। पहला कहता है द प्रोग्राम काउंटर, पहला स्टेप फेचिंग में, पहला स्टेप द प्रोग्राम काउंटर प्लेसेज द मेमोरी, प्लेसेज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इन विच द ऑपकोड इज स्टोर्ड, जहां पर ऑपकोड स्टोर्ड है, ऑन द एड्रेस बस, एड्रेस बस पे उस ऑपकोड को डाल देगा। दूसरा कहता है द सीपीयू सेंड्स द रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन कंट्रोल सिग्नल, सीपीयू उस कंट्रोल, जिस मेमोरी से उस डेटा को निकालना है, जिस मेमोरी लोकेशन से उस डेटा को निकालना है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कौन जनरेट करेगा, हमारा सीपीयू। तो वही कहता है द सीपीयू सेंड्स द रिक्वायर्ड मेमोरी कंट्रोल सिग्नल्स शो एज टू एनेबल द मेमोरी टू सेंड द ऑपकोड, ताकि उस मेमोरी को एनेबल करे ताकि वहां से ऑपकोड आ सके। और लास्ट वन इज क्या कहता है, द ऑपकोड स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस एंड ट्रांसफर टू द सीपीयू, मतलब वह जो हमारा ऑपकोड मेमोरी में स्टोर है वह मेमोरी के उस लोकेशन से उठ के डेटा बस पे आएगा, और डेटा बस के मार्फत कहां चलाएगा, हमारे सीपीयू में। ये तीन स्टेप में हमारा कौन सा काम होता है, फेच ऑपरेशन। और अगला एग्जीक्यूट ऑपरेशन क्या कहता है कि द ऑपकोड विच इज फेचेज फ्रॉम द मेमोरी, जो मेमोरी से फेच होके आ गया, मेमोरी से निकल के आ गया, इज प्लेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा रजिस्टर्स DR, डेटा रजिस्टर में जाके वो स्टोर हो जाएगा, और डेटा रजिस्टर में स्टोर होने के बाद वह इंस्ट्रक्शन क्यू जो हम आपको दिखाए थे 8086 का इंटरनल आर्किटेक्चर, वो इंस्ट्रक्शंस क्यू में आ गया। फिर इंस्ट्रक्शंस क्यू से वो ट्रेवल होकर कहां आएगा, हमारे ALU के पास आएगा, हमारे CU के पास आएगा, जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, और फिर उसको वो कंप्लीट का कंप्लीट एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है मेमोरी का, इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ द मेमोरी, इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ द सीपीयू, जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, वो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल दो फेज में बटा हुआ है, पहला फेच साइकिल, दूसरा एग्जीक्यूट साइकिल। फेच साइकिल में क्या होगा, फेच साइकिल कहता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को रन करना है, वह हमारा प्रोग्राम रहता कहाँ है, मेमोरी में स्टोर रहता है, तो उस मेमोरी से उसको उठा के लाएगा,
कहां पर? सीपीयू के पास, मेमोरी के उस लोकेशन को इनेबल करेगा जिस लोकेशन में वो डेटा स्टोर है, उसका एड्रेस कौन जनरेट करेगा? हमारा सीपीयू। तो सीपीयू जिस लोकेशन का एड्रेस जनरेट किया, मेमोरी के उस लोकेशन को इनेबल किया जाता है, और इनेबल होने के बाद वह डेटा डेटा बस के मार्फत डेटा बस पे डाल देगा वहां पे, और डेटा बस के मार्फत वो कहां चलाएगा? हमारा सिस्टम बस के मार्फत कहां चलाएगा? सीपीयू के पास। और जब तक सीपीयू के पास आके कहां स्टोर हो जाएगा? डेटा रजिस्टर में। तो ये हमारा कौन सा काम हुआ? पूरा का पूरा फेच साइकिल। और उसके बाद एग्जीक्यूट साइकिल। एग्जीक्यूट साइकिल में वह जो आ गया डेटा रजिस्टर में, वह फिर इंस्ट्रक्शन क्यू में जाएगा, जो 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू हमने आपको बताया था 8086 माइक्रोप्रोसेसर में। फिर वहां से वह ट्रबल होकर आपके किसके पास आएगा? एयू के पास आएगा, सीयू के पास कंट्रोल जाएगा, फिर वहां पर एग्जीक्यूट होगा, देन फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर है? तो यह हमारा था कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? थैंक्स।